राजस्थान में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही बीकानेर में भी 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक 60 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई है। इस महिला की कोरोना जांच रिपोर्ट भी इसकी मौत के बाद आई, जिससे चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बीकानेर में घर घर सर्वे के लिए 300 से ज्यादा लोगों की टीम को मैदान में उतार दिया है, जो घर घर जाकर सर्वे करेगी। इसके साथ ही प्रशासन व पुलिस विभाग की ओर से आमजन से बार बार अपील की जा रही है कि अगर उसमें कोई बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत जांच करवाएं। साथ ही जो इन लोगों के संपर्क में आए हैं वो भी सामने आकर बताएं, ताकि उनकी समय रहते जांच की जा सके और उन्हें बचाया जा सके। नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की है ये वाली जो टीम दिखाई जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी टीम है वो है GNM ट्रेनिंग नर्सिंग PBM हॉस्पिटल की। वो आज सुभाषपुरा, अमर सिंहपुरा और उधर विवेक नगर साइड की जो है ना हाई रिस्क एरियाज, आज उधर की उस टीम को कवर करेगी। और जो तीसरा टीम है वो इधर अपने ठठेरा बाजार इस साइड में कवर करने जा रही है, और वो है दूसरे नर्सिंग कॉलेज है उनकी। ये टीम क्या करेगी? ये टीम घर घर जाके सघन सर्वे करेगी। उसमें कोई भी उनको केस ऐसा लग रहा है कि जो कि कोई हाई रिस्क का केस है या उसे आइसोलेशन करने की जरूरत है, तो अगर वो घर पे आइसोलेट होना चाहे, ठीक है, उन्हें लग रहा है कि घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं, तो उन्हें घर पे आइसोलेट कर दिया जाएगा। अदरवाइज क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया जाएगा, वहाँ पे इनके सैंपल करवाए जाएंगे। लगभग कितने मेंबर इनमें शामिल हैं जी? लगभग कितने मेंबर हैं टोटली? अभी है 300 प्लस।